कटहल खाने के जो शौकीन हैं उनके लिए तो ये सब्जी खास है ही, लेकिन जो कटहल नहीं पसंद करते हैं उनके लिए ये सब्जी ज़्यादा खास है, क्योंकि ये सब्जी अगर आपने घर में एक बार बना ली तो जिन्हें कटहल पसंद नहीं है वो भी इसे दो बार मांग करके ज़रूर खाएंगे, इसकी गारंटी मेरी तरफ से आपको है। तो एक बार इस रेसिपी को पूरी देखिए और घर पर इसे बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। कटहल का सीज़न हो और कटहल की सब्ज़ी घर में ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कटहल की सब्ज़ी एक ही तरह से बनाते बनाते खाने वाला और बनाने वाला दोनों हो जाते हैं बोर। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, कच्ची से कलम तक। मैं हूँ रचना और आज मैं आपको कटहल की सबसे आसान और सबसे टेस्टी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना आपको मसाले भूनने का झंझट है और ना ही किसी तरह का स्पेशल एफर्ट लगाना है और बिल्कुल फटाफट से बहुत ही थिक ग्रेवी वाली कटहल की सब्ज़ी बनती है। कटहल की ढेर सारी रेसिपी के लिंक मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे दी हुई है, उसको जरूर देखिएगा और आज की इस रेसिपी को पूरी देखने के बाद ट्राई जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कटहल की बिल्कुल झटपट और टेस्टी सब्जी की रेसिपी। तो 3 पाव कटहल के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले खड़े मसाले बता देती हूँ। 3 पाव कटहल कटने के बाद के लिए मसाले हैं 10 से 12 लौंग, इसके बाद है काली मिर्च, गोल वाली जो काली मिर्च होती है वो 1 चम्मच, ये है बड़ी इलायची 3 से 4 बड़ी इलायची और छोटी इलायची 2 से 3 आप ले सकते हैं, ये है जीरा, जीरे की मात्रा ज़्यादा होगी 3 चम्मच खड़ा जीरा, इसके बाद 3 खड़ी लाल मिर्च और ये है शाह जीरा, बिल्कुल जीरे की तरह दिखता है और इसका फ्लेवर जो है ना कटहल को बहुत अच्छा बनाता है। तो 1 चम्मच शाह जीरा, जावित्री और कबाब चिली। तो काली मिर्च और कबाब चिली जो है ना देखने में एक जैसे लगते हैं, तो इन दोनों को याद कर लीजिए, जीरा और शाह जीरा एक जैसे लगते हैं और बड़ी इलायची और छोटी इलायची एक जैसे। अब जितनी मात्रा में आपने कटहल काटा उतनी ही मात्रा में प्याज को लंबे लंबे काट लीजिए। तो चलिए बेसिक प्रिपरेशन हमने कर ली, अब फिर से मैं मसालों को रिपीट करती हूँ क्योंकि मसालों को हम दरदरा ग्राइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिया है 3 खड़ी लाल मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच खड़ी काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 1/2 चम्मच कबाब चिली, ये बिल्कुल ऑप्शनल है कबाब चिली, जावित्री, छोटे चम्मच से 1 चम्मच शाह जीरा और 3 चम्मच खड़ा जीरा। ये खड़े मसाले हैं, इनकी मात्रा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख करके दे दूंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इसको ड्राई एकदम करके ड्राई मिक्सी जार में आपको इसको दरदरा कूट लेना है या पीस लेना है। अब चलिए कुकर चढ़ाइए और कुकर में डालिए सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जिसमें भी आप सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन कटहल की सब्जी सबसे टेस्टी सरसों के तेल में बनती है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाले हैं और इसमें डाल दिया है 2 तेज पत्ते। अब जो ये सब्ज़ी की रेसिपी आप आगे देखिएगा तो आप सोचिएगा 15 मिनट में कटहल की सब्ज़ी इतनी बढ़िया कैसे तैयार हो गई। ये मैंने लिया 1 पूरे लहसुन की कली और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, उसको कूट लिया है दरदरा और वो इसमें डाल दिया। तो सबसे पहले डाला है लहसुन अदरक कूट करके ताकि तेल में अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट का फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाए। और अब इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तो अब इसमें मैंने डाले हैं वो मसाले जो हमने मिक्सी के जार में दरदरा कूट लिया था। फिर से रिपीट करूँ क्या? चलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ जब तक प्याज डालूँ। जीरा, शाह जीरा, काली मिर्च, कबाब चिली, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 3 लाल मिर्च। तो अब ये है प्याज की मात्रा और कटहल की मात्रा, आप देख सकते हैं जितना मैंने कटहल काटा है उतना इसमें प्याज डाला है और इसको हल्के हाथों से मिला लीजिए। आपको पता है इस सब्जी की सबसे खास चीज़ क्या है कि इसमें आपको प्याज भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसके आपको कटहल को उबालने की, कटहल को फ्राई करने की, कटहल को देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फटाफट बनता है। और एक बार आप इसको बना के खा लीजिएगा ना तो आप कटहल की बाकी सारी रेसिपीज़ भूल जाइएगा। वो ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है थिक ग्रेवी के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ, जीरा राइस के साथ, सभी के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब चलिए कुछ मसाले और बचे हैं वो मिला लेते हैं। ये है धनिया पाउडर, अगर आपके पास खड़ा धनिया है तो आप खड़े मसालों के साथ ही धनिया को दरदरा पीस लीजिए। मेरे पास खड़ा धनिया नहीं था तो मैंने धनिया का पाउडर 2 चम्मच डाल दिया और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले ताकि सब्ज़ी का रंग अच्छा है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है,
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में कड़वापन नहीं होता है, पर उससे सब्जी का रंग बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिए, लेकिन धनिया का पाउडर कंपलसरी है। या तो धनिया का पाउडर डालिए, या खड़ी धनिया आपके पास हो तो उसको मसालों के साथ ही दरदरा पीस लीजिए। जो मसाले हमने शुरू में पीसे थे ना, कबाब चिली, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, शाहजीरा, जीरा और 3 लाल मिर्च, उन्हीं के साथ आप खड़ा धनिया 2 चम्मच पीस सकते हैं। मेरे पास खड़ा धनिया नहीं था तो मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया। अब इसमें नमक मिला दिया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला दी, इसको मिक्स कर दिया। और अब इसमें हल्दी मिला देते हैं थोड़ा सा, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, या फिर मीट मसाला, चिकन मसाला, सब्जी मसाला, जो भी मसाला आपके पास अवेलेबल हो वो 1 चम्मच, बड़े चम्मच से 1 चम्मच इसको डाल करके कुकर को बंद कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसमें 5 सीटी लगा दीजिए। और उसके बाद खोलिए तो ये सब्जी ऐसी तैयार हुई है 5 सीटी के बाद। धनिया पत्ती से गार्निशिंग करके सर्व करिए। देखा मैंने, ना मसालों को भूना ना प्याज को भूना, बस फटाफट से 5 सीटी लगाई। इसको बोलते हैं बंद किया हुआ कटहल। और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, आप इसको देख कर समझ रहे होंगे कि इसका फ्लेवर कितना अच्छा होगा। एक बार प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और कटहल की ढेर सारी रेसिपी की लिंक मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिए।